छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी के हीरो है परेश, 20 साल के युवक, कॉलेज गोइंग। माताजी पिताजी बड़े धार्मिक स्वभाव के। परेश पढ़ने में होशियार, चंचल, हाजिर जवाब, फास्ट थिंकर। शहर में आ गए एक बार एक संत, उनके प्रवचन का आयोजन हुआ। 7 दिन का प्रवचन, रोज 1 घंटा। माताजी पिताजी जाने लगे। 4th दिन उन्होंने परेश से कहा, बेटा तुम्हें भी संत जी का प्रवचन सुनना चाहिए, सुनने के बाद कुछ तो कुछ लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। परेश तैयार हो गए, दोस्त भी साथ में चले। माताजी पिताजी आगे बैठे, परेश अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठा। प्रवचन शुरू हुआ। उस दिन का विषय था पाप करने के बाद पश्चाताप, पश्चाताप का महत्व और पश्चाताप की महिमा। संत बड़े ज्ञानी थे, अच्छे वक्ता भी थे। भाषण बहुत जोरदार हुआ, सुनने वाले श्रोतागण बहुत प्रभावित हुए। 1 घंटे के भाषण के बाद संत जी रुके और उन्होंने पूछा, भाइयों और बहनों, मैंने जो बातें आपको बताई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पश्चाताप करने के पहले आपने क्या करना पड़ेगा? तुरंत परेश खड़े हुए और परेश ने कहा, स्वामी जी, पश्चाताप करने के लिए पाप करना जरूरी है, पश्चाताप के पहले करने पड़ेंगे पाप। आपको परेश पर बहुत गुस्सा आएगा, ऐसे जवाब की अपेक्षा किसी को नहीं रहेगी, लेकिन मुझे लगता है परेश की बात में जोर है, वजन है। परेश की बात को हम ध्यान से समझें तो हमें समझ में आता है कि पश्चाताप तभी करना पड़ेगा जब हम पाप करेंगे। जब हम गलत काम नहीं करें तो पश्चाताप करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। समस्या पश्चाताप नहीं है, मूल कारण पाप है। पहले हम गलत काम करते हैं और फिर गलत काम के लिए पश्चाताप करते हैं और ईश्वर के पास क्षमा मांगते हैं। आज के समय में यह कहानी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आज हम जिस समाज में रहते हैं वहां बनावट ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, और दिखावे के लिए हम कुछ भी करते हैं। और दिखावा किसका? आज कोई ज्ञान का दिखावा नहीं होता, आज हम भौतिक चीजों का दिखावा करते हैं, संपत्ति का दिखावा करते हैं। पाप नहीं करें, पश्चाताप करने की नौबत नहीं आएगी। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।